स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम अतीक अहमद की बायोग्राफी देखने जा रहे हैं, जिसको यूपी में टपका दिया और उसके बेटे को भी एनकाउंटर में कुछ दिन पहले निपटा दिया था। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम था अतीक। पुलिस से लेकर जजों तक जिस नाम से कांपते थे वो नाम था अतीक। जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह था अतीक। अपने सामने आग उठाने वाले को खत्म कर देने वाला नाम था अतीक। ये नाम अब दुनिया में नहीं रहा। पुलिस के सामने तीन हमलावरों ने इसे गोलियों से छलनी कर दिया। अतीक ने जो बोया था वो काट लिया। जो जुर्म का बीज उसने बोया था वो पेड़ आज कट चुका है। आज आपको बताएंगे इस नाम के आतंक के बारे में, कैसे एक तांगे वाले का बेटा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और कैसे योगी सरकार ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया और फिर कैसे उसकी मौत योगी सरकार पर ही सवाल खड़े कर गई। सवाल ऐसे जिनका जवाब सरकार को देना है। नाम अतीक अहमद, बाप का नाम फिरोज अहमद, पत्नी का नाम शाइस्ता परवीन, बेटों का नाम अली अहमद, उमर अहमद, असद अहमद, अजान अहमद, अबान अहमद। जन्म 10 अगस्त 1962, उम्र 60 साल। 10 अगस्त 1962 को फिरोज के घर जब एक बच्चा पैदा होता है तब नहीं पता था कि बच्चा नहीं खौफ का दूसरा नाम है। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उससे कतई कम उसकी सियासी उपलब्धियां नहीं है। वो माफिया था, वो गैंग लीडर था, हिस्ट्री शीटर था, बाहुबली था, दबंग था, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी उसे कहा जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद रहा जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारों पर कुछ इस तरह नाचता था कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई थी। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन ये नाम उस वक्त फिर से सुर्खियों में आ गया जब उमेश पाल को दिन दहाड़े भून दिया गया। उमेश पाल को मारा नहीं गया बल्कि प्रयागराज में एक बार फिर से वो खौफ जिंदा किया गया जो योगी सरकार से पहले हुआ करता था। जजों का ऐसा मानना था कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में कानून का नहीं बल्कि अतीक अहमद का राज चलता था। वहां खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता था। लेकिन जरायम की दुनिया का ये बादशाह अब खामोश हो चुका है। सुनिए अतीक एक तांगे वाले का बेटा कैसे पहले लाखों का मालिक बना, फिर करोड़ों का और फिर अरबों का मालिक बन जाता है। पैसे की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वो कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन जाता है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध के साथ राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ चुकी थी कि उसने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वो खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद था तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में, तीसरे बेटे असद पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था और 13 अप्रैल 2023 को वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी शाइस्ता फरार थी, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि उसका सुहाग उजड़ चुका है वो उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसके पति का खून बिखरा पड़ा था। एजम और अबान नाम के दो नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं और ये असल में बाल संरक्षण गृह में हैं या नहीं इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस कोर्ट में कह चुकी है कि सुरक्षा कारणों की वजह से नाबालिग बेटों का पता नहीं बताया जा सकता। अब सुनिए इसका अतीत क्या था। ये वो दौर था जब अपराधी सियासत की सतरंजी बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। वो नेताओं के लिए जान लेने में और जान देने में कतई नहीं हिचकते थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से पहले
राजनीतिक पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने माफियाओं के सपनों को पंख लगा दिए, जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने और दूसरे तमाम फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा नहीं करते थकते थे, वो खुद जनता के मुख्तार बनने लगे। माफियाओं के सफेदपोश बनने और अपराध के राजनीतिकरण के बदलाव वाले उस दौर में सबसे चर्चित नाम रहा प्रयागराज का अतीक अहमद। 60 साल के अतीक के पिता भी आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जाते थे। वो तांगा चलाते थे और छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके। जब अतीक 17 साल का था, तब अतीक ने सोच लिया कि उसे पिता के नक्शे कदम पर चलना है। 17 साल की उम्र में अतीक ने पहला गुनाह किया और उस पर इसी उम्र में पहला मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी तो वो जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुका छुपी का खेल आम हो गया था। अतीक ने पुलिस के नाम में तम कर दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। तब अधीक ने दिमाग लगाया और राजनीति का कार्ड खेल दिया। वो समझ चुका था अगर जान की सलामती चाहिए तो काले कारनामों को सफेद कुर्तों के पीछे छुपाना पड़ेगा। 1989 में यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट की सीट से वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरा। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई और वो माफिया अतीक से माननीय विधायक अतीक अहमद बन गया। अब जिस पुलिस से उसे खतरा था, वो पुलिस उसे संरक्षण देने लगी थी। 1989 के ही चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसे ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी थी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने रोशन बाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर उसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहला दो चुनाव वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता, तीसरे चुनाव में भी वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया तो 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल से 2002 के चुनाव में के वक्त वो अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बन चुका था और हेलीकॉप्टर से यूपी के कई जगहों पर प्रचार करने के लिए जाया करता था। उसने अपने साथ अपना दल के दो और उम्मीदवारों को भी जीत दिलवाई थी। 2004 में उसकी सपा में न सिर्फ वापसी हुई बल्कि वो मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिली। वो कहते हैं ना, जिस चीज को भी हाथ लगा दो वो सोना बन जाती है, वही हाल था अतीक अहमद का। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन से अतीक के उल्टे दिन शुरू हो गए। यह दिन था 25 जनवरी 2005, जब अतीक ने राज्यपाल को बीच सड़क पर गोलियों और बमों से भून दिया। यह घटना न सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि बन गई अतीक और उसके परिवार का काल। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में उसके हिस्से नाकामी आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम और अशरफ को टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजूपाल को टिकट दिया। दो बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमला किया गया, लेकिन 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगता है। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ता है। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया जाता है। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ता है। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वो आज तक नहीं उभर सका और उसके लिए वो नासूर बन गया और अब सुपुर्दे खाक हो चुका है। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट
2014 में श्रीवस्ती सीट से, समाजवादी पार्टी के टिकट 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आजाद, और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रीवस्ती को छोड़कर लोकसभा की बाकी तीन चुनाव में तो उसकी जमानत तक जब्त हो गई। ऐसा नहीं है कि सफेदपोश बनने के बाद अतीक ने काली करतूतों से तौबा कर ली हो, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वक्त के साथ उसका खौफ बढ़ता चला गया। उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हत्या, जानलेवा हमले, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। सियासत में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस किया और आपराधिक घटनाओं के बजाय अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। तमाम बेनामी संपत्तियां बनाई करीबियों के नाम पर, करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया करता था। देश के तकरीबन एक दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला था। रियल स्टेट से रेलवे के स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का था। ठेके के कई काम वो अपने लोगों से कराता था, तो साथ ही तमाम ठेके कुछ कमीशन लेकर दूसरों को ट्रांसफर कर दिया करता था। रंगदारी वसूली और गुंडा टैक्स से भी उसने अरबों रुपए कमाए। अतीक एक इंटर स्टेट गैंग का खुदा हुआ करता था। उसके गैंग का नंबर 227 था। बताया जाता है कि करीब 125 इसके गैंग के साथ ही एक्टिव हुआ करते थे। अतीक के ऊपर करीब 101 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से ढेर सारे सबूतों और गवाहों के अभाव में उससे वापस ले लिए गए। अतीक अहमद को माफिया बाहुबली और डॉन यूं ही नहीं कहा जाता। सख्त सरकार और जेल में रहने के बाद भी उसके जुर्म का सिक्का चलता था। वो जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी सल्तनत चलाने में माहिर था। देवरिया जेल में कैद रहते हुए उसने न सिर्फ लखनऊ के कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल बुलवाया, बल्कि वहां उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी बनाया, और वो वीडियो सिर्फ इसलिए वायरल कर दिया गया ताकि बाहर उसके नाम की दहशत बनी रहे। इसी तरह उसने प्रयागराज के कारोबारी का भी अपहरण कराकर उसे जेल बुलवाया और खुद उसकी पिटाई भी की थी। इसके बाद अतीक ने अपने खौफ को जिंदा किया उमेश पाल को मारकर। उमेश पाल को सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि दिखाया गया कि ऐसा है अतीक का खौफ। उमेश पाल को जैसे मारा गया वो किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं था। हमलावरों ने किसी तरह का कोई मास्क नहीं लगाया था, किसी ने अपनी पहचान को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। अतीक इतना शातिर था कि वो सिस्टम खरीद लेने का भी हुनर जानता था और ताकत भी रखता था। तभी तो वो जेल में बंद रहने के दौरान भी पंचायत लगाया करता था, एक चबूतरे पर बैठा करता था। अतीक की अकड़ को समझने के लिए वो किस्सा काफी है, जब उसने एक जेलर को थप्पड़ मार दिया था। अतीक अपना रुतबा कायम रखने के लिए जेल में पंचायत लगाता था। जब जेलर ने अतीक को मना किया तो अतीक ने वहां मौजूद सैकड़ों पुलिसकर्मी और कैदियों के सामने ही जेलर को थप्पड़ जड़ दिया। जिस जेलर की कस्टडी में अतीक बंद था, उसी जेलर को थप्पड़ मारना उसके रुतबे को दिखाता है। और यह किस्सा है प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल का। पुलिस को ये मोहरों की तरह इस्तेमाल करता था। जिसने इसके रास्ते में आने की कोशिश की, इसने सबको एक ही अंजाम दिया, और वह अंजाम था मौत। चांद बाबा से लेकर राजू पाल और उमेश पाल तक 2017 से पहले की सरकारों ने इसके मुकाम तक पहुंचाने में इसकी खूब मदद की। कई बार पुलिस ने इस पर गुंडा एक्ट लगाया, लेकिन राजनेताओं ने सब खत्म करवा दिया। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सूबे की कमान संभाली, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहले से आर्थिक तौर पर चोट दी गई, इसकी कमर तोड़ दी गई। जितनी बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, इसके साथ साथ इसके करीबियों की भी कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया। खबरों के मुताबिक करीब 2368 करोड़ की संपत्ति को या तो कुर किया गया या फिर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अतीक के मरने से कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अतीक पाकिस्तान के संपर्क में था। पाकिस्तान से ही वो हथियारों को मंगवाया करता था, और इन हथियारों को मंगवाया करता था ड्रोन के जरिए। योगी सरकार ने इसके आपराधिक तिलिस्म को तोड़ने का काम किया। तभी तो बेटे का एनकाउंटर होने के बाद अतीक ने कहा था कि मिट्टी में मिल चुका हूँ, अब रगड़ा जा रहा हूँ। अतीक भाप चुका था कि उसका अब ज्यादा दिन जिंदा रहना मुश्किल है। यूपी पुलिस अतीक का ताबूत तो तैयार कर चुकी थी, लेकिन आखिरी कील नहीं ठोक पाई। 44 साल के आपराधिक इतिहास में किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि अतीक की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन लवनेश, सन्नी, अरुण नाम के तीन हमलावरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया। पॉइंट ब्लैंक से
दोनों को गोली मारी गई। जिस अंदाज में अतीक लोगों की हत्याएं करवाता था या किया करता था, ठीक वैसे ही अतीक और अशरफ को एक सांस भी नहीं लेने दी। अतीक और अशरफ को मारने वाले तीनों हमलावरों ने भागने की भी कोशिश नहीं की और हथियार फेंक कर मौके पर ही सरेंडर कर दिया। ये हमलावर पत्रकार बनकर आए थे, इनके पास किसी चैनल की माइक आईडी थी, कैमरे भी थे, और जिस वक्त अतीक और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे तभी 7 गोलियां मारकर इन्होंने इस दुनिया से इन दोनों भाइयों को रुखसत कर दिया। अतीक ने जैसा किया उसके साथ वैसा ही हुआ, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो गलत था और उसने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। चाहे जिस लिहाज से भी मारा है लेकिन कत्ल तो किया है ना, तो वो कहते हैं ना कि ये जो हथियार तुम लोग रखते हो इसी से एक दिन तुमने भी कत्ल होना है, फिर इसी से ही तुम्हारी भी मौत होनी है। ये अक्सर मिसाल सुनते हैं हम, जैसा करोगे वैसा करोगे। तो नहीं, वो तो चलो एक अलग मिसाल है ना, मसलन अब कोई रखता है पिस्टल का शौक होता है किसी को, वो बहुत बदमाश बनता है, आगे पीछे घूमता लेके, तो आखिर उसकी मौत भी उसी पिस्टल के साथ ही होती है। और ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है, जो भी डोन वगैरह होते हैं या जो भी ऐसे काम करते हैं उनकी मौत भी ऐसे ही होती है। और जैसे राजू पाल है जो शुरू में बताया, जो अतीक ने जिसको मारा था, तो वो भी एक किस्म का वो माफिया ही था। जो भी है, मोर रिस्पेक्ट, ये अकेला नहीं है, कई सारे गैंग्स ऐसे होंगे। तो ये देखिए कि कितनी प्रॉब्लम चल रही थी यूपी में, कि इतने सारे गैंगस्टर्स थे और कैसे योगी जी एक एक करके। और वो देखो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिसकी फोटो उन्होंने दिखा दी इनके साथ, वो किस टाइप की पार्टी और कितनी इन्वॉल्व थी, और हर बार इसको बचा रही थी। इसको जब जेल में डाला जा रहा, पुलिस वालों के साथ इसने क्या दादागिरी, उनको कैसे ट्रीट कर रहा था जेल में बैठा हुआ सबके सामने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी वीडियो थी, और कई लोग कहेंगे कि ऐसे लोगों की बायोग्राफी क्यों देखे, लेकिन देखना जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि ये लोग दोनों भाई और पूरा परिवार कैसे थे और जो उनके साथ हुआ वो क्यों हुआ और अच्छा हुआ जो उसको इस दुनिया से निपटा लिया, क्योंकि ये एक तरीके से आतंकवादी थे जो पूरे प्रदेश में और कई राज्यों में दहशतगर्द फैला रहे थे। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।